हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर हो रही मानसून की बारिश आफत भी बन गई है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं पर भारी बारिश देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और नई दिल्ली में बारिश गर्मी से भी राहत लेकर आई है। वहीं मौसम विभाग के माने तो अगले दो दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों और पंजाब सहित हरियाणा के बचे हुए हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधियां देखने को भी मिलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, कहां पर बारिश होगी और कहां पर आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर क्या कुछ होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर दबा दीजिएगा। और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गांव का नाम, आप जहां कहीं पर भी रहते हैं हमें कमेंट करके सही सही से जरूर बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गांव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। तो फटाफट से जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि देश की राजधानी नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किए जाने की संभावना है। वहीं नई दिल्ली में आज बादल भी छाए रह सकते हैं और इसी के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये बारिश हल्की बारिश ही मौसम विभाग के माने तो इस पूरे हफ्ते ही नई दिल्ली में बारिश होने की जो है दर्ज किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान भी जो है 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रह सकता है। वहीं लखनऊ में भी आज बारिश होने की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहां की बारिश देखने को मिलने वाली है। वहीं अधिकतम तापमान भी जो है 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की संभावना है। गाजियाबाद में भी इस पूरे हफ्ते बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, पूरी राजस्थान, विदर्भ, कोंकण और गोवा सहित गुजरात क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर बिहार, केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने को लेकर भी पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आज यूपी के हापुड़, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, इटावा, कुशीनगर, गोंडा, श्रावस्ती, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, अलीगढ़, एटा, गाजियाबाद, रामपुर, अमरोहा, फंबल, बंदायू, पीलीभीत, सांजापुर, फिरोजाबाद और बिजनौर सहित रामपुर और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश और तेज आंधी तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इन जिलों में गरज चमक के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला समेत कई जिलों में लगातार 3 से 4 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले इन 3 से 4 दिनों में जो है सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, उज्जैन, देवास, साजपुर, आगर, मालवा, मंदसौर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी सहित मंडला, बालाघाट में भी भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आप किस क्षेत्र से हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।